में बिजली आ जाने से लाइनमैन की हुई मौके पर मौत। जालौन की घटना एटा थाना क्षेत्र ग्राम अकोड़ा का है, जहां पर प्राइवेट लाइन अरविंद कुमार पुत्र बाबूराम पटेल को गांव के ही एक लोग अपने ट्यूबवेल की बिजली ना आने पर ठीक कराने के लिए ले गए थे। तभी अरविंद खंभे पर चढ़ गया, लाइन ठीक कर रहा था, तभी अचानक से बिजली आ गई और अरविंद को करंट लग गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिससे वो खंभे पर लटक गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर एटा थाना अध्यक्ष विनय दिवाकर एवं उप निरीक्षक संजय पाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उप जिलाधिकारी अशोक कुमार वर्मा एवं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलराज सा अपने कांस्टेबलों के साथ पहुंचकर जांच में जुटी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों के विधि विभाग के अधिकारियों को बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 वर्ष से अरविंद प्राइवेट स्तर पर लाइनमैन का कार्य कर रहा था। जालौन से कृष्ण कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। जिंदगी में आपका स्वागत है सर। क्या हो गया सर जी, कैसे हादसा हो गया? लाइट से ऊपर। लाइट से? थोड़ा तेज बोलो सर। 11,000 की लाइट। क्या हो कर रहे थे सर जी? फ्यूज जोड़ने आए थे। इन्हें सिट डाउन नहीं लिया था सर? सिट डाउन लिया था लाइनमैन से। आपके कौन थे सर जी? चाचा। चाचा थे? पटेल हैं सर जी। अच्छा। और प्रशासन यहाँ मौजूद है सर? हाँ, ये थाना लगता है सर आपका?